नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। तो भैया अपन ये किस चीज़ का स्टॉक आज ओपन करने जा रहे हैं? भैया काफ़ी दिनों से थोड़ी डिमांडिंग चल रही थी कि टू कैट का मांझा कब आएगा। ओके, तो ये टू कैट का मांझा आ चुका है। तो ये किन कारीगर का रहेगा भैया? ये अतीक रजा खां का आता है टू कैट, और चरखी इन्होंने बहुत मोटी लगाई है और मुझे लग रहा है कि ये मैं भेजूंगा भी तो 1.5-2 किलो का पार्सल बन जाएगा। हैवी है चरखी बहुत, तो चरखियाँ मजबूत लगा के भेजी है मांझे के साथ। और हाँ, इनका क्या होता है, जैसे जितना ये बेस बड़ा होता है उतना ही जो अंदर पाइप जो जाता है उसका खांचा अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। तो एक जैसे डबल बिल्ली का जो होता है ना ट्रेंड की थोड़ी मजबूत डोर पे काम होता है, तो इन्होंने उसको एक इंग्लिश नेम दे दिया टू कैट। तो आप इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ ये देख सकते हैं कि जो अपने सीजन पे डिमांड होती है ना मांझों की, उस टाइप के जो मांझे हैं वो एक थोड़ा सा इकोनॉमिकल रेंज मान लें कि भाई 1100-1200 की रेंज में जो चरखियाँ आती हैं, और आजकल जो ट्रेंड है कि थोड़ा सा मजबूत डोर पे आ गए। वैसे हम लोग तो चाहते हैं कि 1-2-3 पे ही सब लोग शौक करें, बट छतों से क्या होता है आजकल जो डायरेक्ट मांझे को यूज़ करते हैं हमारे कुछ एक जो सीजनल फ्लायर्स हैं वो सद्दा नहीं लगा पाते हैं। तो आप इसमें टेक्स्चर आप इसमें देख सकते हैं, इस टेक्स्चर से ही काफ़ी लोग ये समझ जाते हैं कि जो डोर है ये 2 नंबर की डोर है या डबल बिल्ली के लोग बोलते हैं इसको। तो भैया इसमें जो थ्रेड का जो होना वाला है, ये थ्रेड कौन सी थ्रेड का लगेगी? थ्रेड का इन्होंने कोई आर्टिकल मेंशन नहीं करा है, तो हम भी इसे ना तो इसमें 8400 लिखा है ना इसमें आपका परवाज लिखा है, तो हम भी इस थ्रेड को नाम ना लेते हुए एक टू कैट जैसे होता है ना कि 2 नंबर की डोर है, तो हम उसमें इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक चीज़ इससे बहुत अच्छी है कि अगर आप इससे अद्दी और पोनी उड़ाएं तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट देती है डोर। एक जैसे हम लोग अभी एक जो 8400 आर्टिकल्स बेच रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और इस डोर की खासियत ये है कि एक बार आपका पेच लड़ जाए और दो बार लड़ जाए और आपकी पतंग कभी कटती भी है उतरती भी है तो ये दोबारा जाके भी फाइट कर लेगी। इसकी छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं अपने बायर्स को करना चाहूँगा कि इसकी शिपिंग नियर अबाउट 150 के अराउंड बैठेगी, ठीक है, क्योंकि चरखा बहुत भारी है और 2 kg के अराउंड इसमें शिपिंग लग जाएगी हमारी। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई भी जो बाहर से मंगाए, ये चेरिल की चरखी है बट स्टिल जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी जो फाइबर की चरखी है वो भी थोड़े से 2 kg में ही जा पा रही है, पर जो बारिशों में हमने काम कराया था 8400 पे जिनमें हमने मतलब बारिश सुताई करवाई थी, तो वो फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा 1 kg के सेगमेंट में पैक हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक आध कुछ कलर और जो सारे सेगमेंट्स आए हैं वो 6 रील पे आए हैं, इसमें 12 रील भी होगा। 12 रील तो अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये किस प्राइस सेगमेंट में आएगा? ये इसका प्राइस सेगमेंट नियर अराउंड 1100-1200 होगा 6 रील का। हाँ 6 रील का वो देख लेंगे आप। ये देखिए और सेगमेंट यहाँ पे भैया ने प्राइस सेगमेंट बता दिए नहीं, वो थोड़ा सा ये होता है ना कि कई बार कुछ एक चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कई बार चरखे महंगे लग जाते हैं, कई बार जो डोर होती है वो अभी सीजन आ रहा है तो नवंबर दिसंबर में डोर भी महंगी हो जाती है, तो उस वजह से रेश वेरी करता है। कई बार तो हमने ये एग्जैक्ट प्राइस के लिए भैया कॉल करके बात कर लें एक बार, हमारे पास जैसे जो रेट अभी आती है ना तो हम उस हिसाब से आपको इंटीमेट कर देते हैं, बिलिंग से कंफर्मेशन हो जाएगा एग्जैक्ट भैया। अब आप ये देखिए कितनी बेहतरीन डोर लगी हुई है इनकी, सुताई 1 सार हो रखी है, और दूसरा इनकी डोर की खासियत देखिए कि इनका जो टेक्स्चर है वो आपको मतलब घिसाई कर करके एकदम इस तरीके का टेक्स्चर दे दिया कि कुछ लोग जैसे होता है ना कि केवल कलर चढ़ा दिया या थोड़े से मटेरियल चढ़ा दिया, तो ये धागे के जो रेशे दिख रहे हैं ना तो नसों में मांझा फीड हो रखा है इसमें, और वही मांझा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो डोर को पतला करता है वो, कई लोग कहते हैं डॉट डॉट है ये डोर अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उल्टा सोच है, जिस में डॉट डॉट होती है वो डोर में फिनिशिंग जो होती है मतलब जो दूर लड़ाने के शौकीन है उनके लिए वो बहुत अच्छी डोर होती है। अब ये जो डोर है ना आप इसको आँख बंद करके ले सकते हैं और लड़ा सकते हैं, क्योंकि टू कैट अपने नाम से ही फेमस है और इन्होंने अतीक जी ने बहुत अच्छा काम ये करा कि डबल बिल्ली को एक अच्छा जैसे होता है ना कि निकनेम टाइप दे दिया कि टू कैट करके, तो जल्दी से किसी को पता भी नहीं चलता कि ये डबल बिल्ली की डोर है। बस हाँ ये है कि जब बंदा ख़रीदने आता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि टू कैट की डोर मिलेगी क्या, तो मतलब एक उस तरीके से मांगते हैं कि भाई एक प्रॉपर खिंचैया होता है ना जो पतंग खींचना जानता हो, क्योंकि आप इससे ढील में तो लड़ा नहीं सकते, छोटे पेज अगर आप मंजूली लेके लड़ा रहे हैं आदि लेके लड़ा रहे हैं, आपको इसमें अगर शह का पेज लड़ाना है मतलब पतंग छोड़ के अगर लड़ाना है तो उसमें आपको कम से कम पोनी बांधनी पड़ेगी। ये देखिए आप फिनिशिंग थोड़ी सी ये चरखियों पे चरखियाँ आ रही है तो थोड़ा सा दबता है,
चाबी तो और ठीक है, ये देखिए आप जिससे फिनिशिंग पार्ट है वो देखने से बन रहा है इसका। कुछ लोगों को तेजदार पसंद है तो वो ये वाली चरखी प्रेफर करे, कुछ लोगों को चिकनीदार पसंद है तो वो इस टाइप की चरखी को प्रेफर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने बोला ना कि थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे में दिखा सकता हूँ। और दोस्तों ये डोर ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती है, तो जिस भाइयों को भी अगर डोर की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कॉल करके अपना एक दो दिन में ऑर्डर ले सकते हैं। और रिटेलर के साथ में भैया शॉपकीपर्स को भी प्रोवाइड करा देंगे आप? हाँ, शॉपकीपर्स भी अभी माल ले सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास माल उतरता है ना, तो हम इसमें से आधा माल शॉपकीपर्स को देते हैं, आधा अपने लिए रोक लेते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट कार्टून आता है तो फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये देखिए आप फिनिशिंग कलर भी देख सकते हैं और आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। एक इनका मेरे पास, चलो मैं उसे अभी कवर करवाता हूँ उसका कार्टून का भी, और भी अच्छे अच्छे मांजे आ रखे हैं। ये देखिए डोर कितनी बेहतरीन डोर है, जिसको थोड़ा सा कांटा पसंद है वो इस टाइप की डोर लीजिए और आराम से अपने पेज लड़ाइए, और रिज़ल्ट बहुत एक्सीलेंट है इन डोरों के। आजकल सभी कारीगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते कि इनका 19 है इनका 20 है। सभी कारीगर अपने नाम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मेहनत करके डोरे बना के दे रहे हैं। बस ये है कि अब इन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, 4-5 दिन कभी कुरियर में लग जाते हैं। दिल्ली के लोग हैं उनको एक दिन में मिल जाता है पार्सल, और दिल्ली NCR में चले जाएंगे तो उन्हें 2 दिन में मिल जाता है। तो मैंने आपको कुछ एक कलर दिखा दिए, अब इसमें थोड़ा सा सर्च करते हैं कि और बेहतरीन कलर या कोई खिलता हुआ कलर आपको अगर इसमें दिखाई दे तो मैं बोलता हूँ उसको। ये देखिए मतलब एक मेहंदी कलर एक ऐसा कलर है जिसको हम रेगुलर यूज़ करवाते रहते हैं और रिज़ल्ट भी पाते रहते हैं। देखिए फिनिशिंग पार्ट आप देखिए, इस चरखी में आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी, क्योंकि ये चरखी शायद कुछ ही चरखियों में ऐसी जो दबी नहीं है कहीं से, पूरा जैसे चरखा लपेटा कारीगर ने वैसा का वैसा यहाँ रिसीव हो गया। वरना क्या होता है कई बार डंडी घुस जाती है तो दब जाता है, कई बार पहिया घुस जाता है। और इस चीज़ को ज़रूर हम खोल के दिखाना चाहेंगे कि कितना बेहतरीन काम है। तो ये दोस्तों टूकेट के जो कस्टमर मेरे यहाँ से खाली हाथ गए थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये मांजा आ चुका है। और टेक्सचर जो हम यहाँ से टिल्ट करके दिखाते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा तो दिखाइए कितना इवन सिमेट्री में इसको काम किया गया है और कितनी बेहतरीन तरीके से इसको फिनिशिंग पार्ट दिया गया है। तो ये कुछ एक दोस्तों वो चरखियाँ हैं जिसको आप अपने सीज़न के लिए रिज़र्व करके रखिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी कारीगर के लिए आपको ये बोले कि नहीं ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो खींच के पे लड़ाते हैं उनको आप रिज़र्व करके रखिए। अभी जैसे हमने मिर्जा जी की चरखियाँ भी दी थी तो उनको आप फंसा के लड़ाएँ, दूरी पर लड़ाएँ तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो हम हर एक कारीगर का या उनकी जो क्वालिटीज़ है उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको बेस्ट सपोर्टिव नॉलेज मिले काइट फ्लाइंग को लेके, और उससे आपको जो रिज़ल्ट मिले वो आपके एक होता है ना अनबीटेबल या अनबिलीवेबल जो रिज़ल्ट होते हैं कि हाँ हमने ये डोर यूज़ करी थी हमें मज़ा आया। बाकी देखो यूज़र हैं आप तो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उड़ाने वाले की रहती है। डोर और पतंग तो एक माध्यम है या एक मीडिएटर का काम करते हैं, जिसको आप जैसे यूज़ करोगे वो वैसे रिज़ल्ट देंगे। कई लोग इस डोर को लेकर और मंजी भी सादा बांध के झटका मार के भी पेज काट देते हैं, पेज पे पतंग को लूज़ रखते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे तेज़ झटका मारते हैं और वो सामने वाले की पतंग, अच्छे कारीगर की डोर उड़ते हुए भी सामने वाली पतंग झटकने से कट जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप कि हमें जो रिज़ल्ट दे रहा है वो केवल डोर दे रही है या केवल पतंग दे रही है या आपकी जो माइंड में स्ट्रेटेजी चल रही है वो रिज़ल्ट दे रही है। क्योंकि डोर सबके पास है दोस्तों, हर कोई आजकल अच्छी डोर उड़ाने का शौकीन है, हर कोई आजकल खींचने की प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो खींचने में तो जिसके मतलब भागदौड़ तेज है वो आपको रिजल्ट देंगे। डोर इससे सस्ती डोरें भी आपको मिल जाएंगी, इससे महंगी डोरें भी मिल जाएंगी। और डोर और पतंग का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कटना या पतंग का माने तो फटना ही है, तो उसको ईगो पे ना लेके जाएं, इसको आप एक खेल की भावना से खेलें ताकि सामने वाला भी जिसको आप काट रहे हो या जिससे आप कट रहे हो वो अगर भाई साहब नहीं होगा तो आपका शौक भी कौन पूरा कराएगा। जैसे कई बार हम मैदान में देखते हैं कि थोड़ा ईगो पे बात आ जाती है, किसी को 2 पेज ज़्यादा कट गए या 3 पेज ज़्यादा काट लिए तो ईगो आ जाता है, तो उसको साइड में रखें, इस शौक को शौक के तौर पर रखें।
क्योंकि पतंग का जो लास्ट जो एक वो होता है ना कि फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ काइट इज टू टीयर डाउन और टू कट इट डाउन बाय अपोनेंट। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कलर पहले खूब आता था, अब इसमें ऊपर ऊपर मिला है, नीचे देखते क्या है। तो ये देखिए भैया फिनिशिंग, तो एक से बढ़कर एक कारीगरों के मांझे आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस ये है कि कभी कुछ चीज़ फिनिश हो जाती है, कभी कुछ चीज़ रह जाती है। यहाँ से देखिए आपको सीधे लेवल दिखेंगे। तो अतिक राजा जी की ये चरखियाँ हैं और छेरिल की ये चरखियाँ हैं और नियर अबाउट इसमें 40 या उससे अबाउट चरखियाँ इसमें कार्टून में होंगी। तो देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन काम, और टेक्सचर से आप समझ सकते हैं कि जो फिनिशिंग पार्ट कारीगर ने दी है उसके लिए मेहनत कितनी की होगी। इसे हम डबल कोट ट्रिपल कोट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार मीनिंग ये निकल जाता है कि चार बार सुताई से मांझा अच्छा होता है या मोटा बन जाता है। अब उन्हें कैसे समझाएं कि जब गर्मी होगी तब तो मोटा हो जाएगा और जब आपकी बारिश का मौसम होएगा तो पतला हो जाएगा। तो ये चीज़ें मौसम पर भी डिपेंड करती है कि मांझा मोटा है पतला है, डबल कोट है या ट्रिपल कोट है। क्योंकि आज तक लोग डबल कोट को ये समझते आते थे कि भाई दो बार कोटिंग नहीं होती, उसमें लुद्दी जो होती है वो स्पेशल करके और दो लुद्दियों से सूता जाता है, उसे डबल कोट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें शायद कलर कॉम्बिनेशन हो चुका है, और एक आपको लाइट कलर, ये भी कलर ओपन हो चुका है।